देर तक नाराज बने रहने की क्षमता कितनी ज्यादा है, सारा खेल इस बात का है। अभी से आपको मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस बात का, है ना। मुझे तो मेरे टाइम पे किसने दिया नहीं था, पर मैं आपको दे रहा हूँ। हमें तो खुद ही अर्जित करना पड़ा सीख सीख के, लेकिन आप लोग तो अभी उस रास्ते में बढ़ेंगे। तो यदि आपका साथी मेरी बातों से प्रेरित मत हो जाइएगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये सब बेकार की बातें, 5-7 साल के बाद सोचिएगा, है ना। लेकिन आप मेरे कहने से मानेंगे नहीं, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ महाबोध पढ़ लो, नहीं पढ़ रहे तो आप करेंगे वही जो आपको करना है। कहीं आप ऐसा कोई रास्ता चुने अपने लिए तो बस एक गाइडेंस थोड़ी सी साथ में रहे। मैं तो इस भाव से, अब मैं जिस उम्र में ना, उस उम्र में आदमी उपदेश दे मेरा मानता नहीं है, उसका मन करता बच्चा मेरे तो ज्ञान दे ही दे उसको किसी तरह से। तो सारा खेल इस बात का होता है, देखिए अगर तो दो सच्चे दिल के लोग हैं तो सच्चे दिल से रहते हैं, तो उसमें मतलब करामातें और तिकड़म वो सब नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, दोनों तिकड़म ही मिल जाते हैं तब ठीक है, तब चेस का खेल चलता रहता है जीवन में लगातार, इसका घोड़ा इसका ऊंट इसका वजीर इसका वो चलता रहता है। दिक्कत तब है जब एक तिकड़े में हो और एक भोला भाला व्यक्ति हो, तो भोला भाला व्यक्ति फंस जाता बेचारा। तो ऐसे मामलों में दबाव बनाने की युक्ति क्या होती है कि जो इमोशनली कमज़ोर है थोड़ा सा, दूसरा व्यक्ति उससे नाराज़ होता है बार बार, नाराज़ ऐसी वैसी बात पर हो जाता है, कोई खास बात नहीं चाहिए होती, और फिर अंदर से नाराज हो या ना हो उस पर दबाव बनाता है, जाओ मुझसे बात मत करो, जाओ सामने वाले घबरा रहा है, नहीं ऐसे मत करो, मुझसे बात कर लो, प्लीज बात कर लो, मुझे नींद नहीं आएगी, प्लीज मुझसे बात कर लो। और इसको लगता है कि चलो मेरी चाल ठीक पड़ी है, फिर ये एहसान दिखाता है, नहीं बात करो, ठीक से रहा करो, अगर आज के बाद ऐसी बात नहीं करूंगी तुमसे मैं, कहते नहीं मैं आज ठीक से रहूंगा, तुम ऐसे बस मत बोलो। और आंसू भी आ गए आंख में और पता नहीं क्या क्या हो गया, गिल्ट फीलिंग, ये फीलिंग, वो फीलिंग सब आ गई। इसको गुस्सा था ही नहीं, ये नौटंकी थी बेसिकली, ये दबाव बनाने की साजिश थी। अब अगली बार के लिए तय हो गया कि जैसे ही नाराज होगा ये व्यक्ति बहुत जल्दी माफी मांग लेगा। फिर आमतौर पर संबंधों में क्या होता है कि एक व्यक्ति का काम नाराज होना होता है, दूसरे का काम माफी मांगना होता है। आप सबको हंसी जो आ रही है मैं समझ रहा हूँ, पापा पापा मम्मी याद आ रहे होंगे आपको अपने अपने कि पापा मम्मी में से एक नाराज होता होगा, एक माफी मांगता होगा। ये सारे स्टैंडर्ड सभी फिक्स होते हैं जब शुरुआत में पहली बार वो लोग आपस में मिलते हैं, उसी समय तय हो जाता है। तो जब आपके जीवन में कभी ऐसा हो और कोई नाराज हो और अगर आप ठीक हैं तो माफी मत मांगना, कॉन्फिडेंट रहना। अगर कोई आपसे कहे कि कल से बात नहीं करूंगी तो बोलना कल से क्यों, आज से क्यों नहीं, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम टुडे। कोई अगर भौंस दिखाए ना, भौंस में नहीं आना है, वो लोग पंजा लड़ाते हैं और बाकी लोग डर जाते हैं भोले वाले। कोई कहे कि आत्महत्या कर लूंगा, हाँ तो ठीक है, जीवन आपका, जीवन का अधिकार आपका, रस्सी आपकी, गला आपका, गर्दन आपकी, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। बस मैसेज मत करना कि हाँ मर जाओ, वरना बाद में सबूत बन जाएगा। कोई अगर धमकाए तो ठीक है भाई, ऐसी भाषा में जिससे आप पर आरोप ना आता हो। कोई आपको मैसेज कर रहा है कि अगर तुम कल नहीं मिलने आओगे तो मैं जहर खा लूंगा, तो जवाब में लिखना सिर्फ इतना कि देखो जीवन आपका है, विवेक आपका है, समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करते, बाकी मतलब मेरी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप विवेकपूर्ण तरीके से अपने जीवन का फैसला करें बस। अब कल को कुछ भी हुआ तो प्रमाण आपके पास है कि आपने तो समझाया था। और कोई इन पर्सन बात करे पर्सनली आके मैं जहर खा लूंगा, बोतल लाया हूं, अगर खाओ सेलिब्रेट करो, चलो कोई नहीं खाता वाता जहर, ऐसे सब ड्रामेबाज होते हैं, और जिनको खाना होता है बता के दिखाते हैं, खाने के बाद बताते हैं। कल एक वीडियो आया, एक औरत ने जहर खा लिया, एक औरत ने उसको पानी वानी मारा कि क्यों जहर खाया, बोली मेरा मोबाइल गुम हो गया। 10,000 का मोबाइल था, वो गुम हो गया। देखा आपने, कल बड़ा फेमस हो गया वीडियो वाला। जहर असली बात पे खाते, फोन गुम हो गया, इस पे कौन खाता है कि प्रेमी गुम हो गया, प्रेमिका गुम हो गई, ये तो रिप्लेसेबल मामला हो सकता है, तू नहीं कोई और सही, ऐसा क्या है। 7 अरब की आबादी में आपको क्यों लगता है कि एक ही व्यक्ति है? दुनिया की आबादी 7 अरब है, 7 अरब है ना, अरे बहुत बहुत बड़े हैं दुनिया में, एक से बढ़कर एक लोग, किसी की धौंस में मत आइएगा, लेकिन धौंस दिखाइएगा हिम्मत, वो भी अच्छी बात नहीं है, दिखाना भी ठीक नहीं। अब ऐसे में क्या होता है कि जब दोनों लोग अपनी सत्ता स्थापना करने में लगे होते हैं ना, एक नाराज हुआ
ये उम्मीद करे कि माफी आएगी। दूसरा कह रहा ठीक है भाई हो जाओ नाराज। अब दोनों बैल हो गए हैं, ये माफी नहीं मांगेगा, ये झुकेगा नहीं क्योंकि नाराजी हुआ था। अब इंतजार कर रहे हैं कि कौन पहले झुकेगा। एक घंटा, दो घंटे, कमजोर दिल के लोग दो घंटे से ऊपर नहीं झेल पाते, मजबूत दिल का आदमी झेल लेता है, इंसान झेलता है। एक शाम हो गई, रात हो गई, अब सोना है, वो अपने रूम में, ये अपने रूम में, जो मजबूत होगा सो जाएगा, भाड़ में जाएगा दूसरा व्यक्ति। कमजोर को नींद नहीं आ रही है, बार बार फोन चेक कर, आया कि नहीं आया, नहीं आया, मैसेज भी नहीं आया, अरे हाय राम। फिर दोस्त को बुलाया कि क्या करूं क्या करूं, दोस्त भी कच्चे दिल का है, यार एक बार ऐसा आदिकाल में हुआ था, उसके बाद रिश्ता टूट गया था। अगर दोनों अड़ गए कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं भी नहीं मांगूंगा, फिर दो तीन दिन बाद जब भी समझौता होगा, उस समझौते में निहित है कि अगली बार से बिना बात के नाराज नहीं होना है, और होगे तो उम्मीद मत करना ज्यादा। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आती है कि लोग फिर नाराज होना बंद कर देते हैं बिना बात के। जायज हो जाए तो होना ही चाहिए, अगर आपसे गलती है तो माफी मांगनी ही चाहिए। पर कोई धौंस दिखाए आपको, कोई सिर्फ पंजा लड़ाने के लिए नाराज हो रहा हो, तो लड़ाना उसको अकेले ही। समझ में आ गया? तो बताओ हिंदी साहित्य जीवन में काम आता है कि नहीं आता है? देखिए।